मुफस्सिल थाना अंतर्गत जेल चौक स्थित पेट्रोल पंप चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पंप पर कार्यरत पूर्व मैनेजर प्रभात कुमार सिंह सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रभात यहां चोरी कांड में गिरफ्तार हुआ, वहीं उसके पिता को शराब मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। जेल चौक पर प्रेस वार्ता में SP विनय तिवारी ने बताया कि 11 जून की रात पेट्रोल पंप से 8,77,33 रुपए की चोरी की गई थी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सदर SDPO संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। टीम ने संदिग्ध मानते हुए पंप के पूर्व मैनेजर दुधपुरा निवासी प्रभात कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने चोरी की घटना में अपनी स्वीकार की। इसके बाद उसकी निशानदेही पर उसके घर में छापेमारी की गई, जिसमें 7,51,500 रुपए मिले। वहीं प्रभात एवं उसके पिता अनिल कुमार तिवारी के कमरे से शराब की 2 बोतल भी बरामद की गई। पूछताछ से पता चला है कि प्रभात शराब के धंधे में शामिल है। इसमें शामिल डिलीवरी बॉय पहेपुर निवासी सौरभ कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। SP ने बताया कि प्रभात की गतिविधि संदिग्ध थी, जिसके कारण पंप मालिक ने उसे कई बार काम पर रखा और हटाया, लेकिन पेट्रोल पंप पर उसका आना जाना जारी था। पंप मालिक द्वारा जगह जगह प्रभात के बारे में दारूबाज एवं चोर होने की बात कहने के कारण उसे काम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से उसने पंप पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। SP ने बताया कि घटना की रात प्रभात ने पंप पर पार्टी दिया था। उसने डिलीवरी बॉय सौरभ को कॉल कर शराब मंगवाई थी। नोजलमैन गुड्डू को विश्वास में लेकर उसने चाबी लेकर शटर गिरा दिया था और एक ताला लॉक किया था। इसके बाद प्रभात, गुड्डू एवं कैश मैनेजर अमरेश कुमार पंप के पीछे स्टाफ रूम में पार्टी करने लगे। बीच में बहाना बनाकर प्रभात वहां से निकला और शटर का ताला खोल दिया, फिर स्टाफ रूम में जाकर गुड्डू को चाबी दे दिया। SP ने बताया कि पार्टी के बाद प्रभात फिर पंप पर पहुंच शटर उठाकर अंदर गया और काउंटर व अलमीरा में रखे रुपए लेकर चला गया। घटना की रात CCTV फुटेज में इसकी गतिविधि संदिग्ध जानकर इससे पूछताछ की गई तो मामला परत दर परत खुलने लगा। SP ने बताया कि टीम में सदर SDPO के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, नगर थाना अध्यक्ष विक्रम आचार्य, DIU शाखा प्रभारी मुकेश कुमार, दरोगा कृष्ण चंद्र भारती, आनंद कश्यप, अनिल कुमार, राजन कुमार बक्स, राहुल हंस के अलावे अरविंद कुमार, कुंदन कुमार, चंद्रशेखर प्रसाद, सोहन कुमार पासवान, वशिष्ठ कुमार पांडे आदि थे। 11 तारीख की रात में मुफस्सिल थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप है, वीणा पेट्रोल पंप, माँ वीणा पेट्रोल पंप, इस पर एक भीषण चोरी की घटना हुई। पेट्रोल पंप के मालिक ने थाना प्रभारी को सूचित किया था और SDPO सदर को सूचित किया था। तत्पश्चात इसमें FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा था। करीब 8 लाख रुपए की चोरी की बात सामने आई थी इसमें, और जैसा कि हम लोग अभियान चला रहे हैं तो SDPO सदर साहब ना सिर्फ लूट डकैती बल्कि चोरी और वाहन चोरी और गृहभेदन जैसी हर एक घटना को SDPO सदर बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। स्वयं घटना स्थल विजिट कर रहे हैं और स्वयं SIT बनाते हुए इनके नेतृत्व में हर घटना का खुलासा हो रहा है। उसी क्रम में इन्होंने इस घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था। तत्पश्चात मैंने किया था और हम लोगों ने देखा तो देखने से स्पष्ट हुआ था कि यहाँ की जानकारी रखने वाले किसी अपराधी के द्वारा ये घटना की गई, क्योंकि ताला तोड़ने जैसा कुछ सामने नहीं आ रहा था। जिनका मेन शटर था वहाँ पर, और ऐसा लग रहा था कि कोई पहले से जो परिचित है इनका किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लालच में आकर के घटना की गई, और 8 लाख की चोरी की भी पुष्टि हो गई थी। SIT SDPO सदर के नेतृत्व में बनाई गई थी और इसमें मुफस्सिल SHO, DIU से मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर विक्रम, टाउन प्रभारी कृष्ण चंद्र भारती, इनका भी बहुत अहम रोल रहा है इस घटना में, आनंद कश्यप मुफस्सिल थाना से, अनिल कुमार DIU से, राजन कुमार DIU शाखा से, और राहुल हंस प्रोबेशनर हैं मुफस्सिल थाना में, और अरविंद कुमार DIU शाखा से। इन सब लोगों ने इस पूरी घटना का अनावरण किया है। अनावरण के पश्चात इस घटना में चोरी हुए 8 लाख रुपए में से 7,51,000 रुपए बरामद कर लिए। अन्य रुपए जो करीब 40,000-50,000 रुपए के आसपास जो है अभी तक खर्च कर दिया, तो लगभग 99% रिकवरी इसमें हो गई। और जो चोरी करने वाला व्यक्ति था जिसने इस पूरी घटना की प्लानिंग की, वो प्रभात कुमार था, जो कि इन्हीं का पेट्रोल पंप मालिक का परिचय था और पूर्व में मैनेजर भी रह चुका है। करीब 5 बार मैनेजर ने प्रभात कुमार को नौकरी पर रखा और निकाला। इनका वो परिचित भी था और मैनेजर भी था। लगातार ही इस पर शक संदेह करते थे, कभी इसको नौकरी से निकालते थे, कभी इसको रख लेते थे,
इसी क्रम में उसको जानकारी भी पूरी थी और वो उससे जब पूछताछ हुई तो उसने भी स्वीकारा है कि सिर्फ चोरी उसकी मंशा नहीं थी बल्कि बदला लेना भी उसकी मंशा थी, इनको किसी तरह बड़ी हानि पहुंचाई है। इस पूरी घटना में पेट्रोल पंप मालिक जो हैं, पेट्रोल पंप के जो देखभाल करते हैं, उनकी तरफ से बड़ी गैर जिम्मेदारना और लापरवाही देखी गई है। अपने पेट्रोल पंप को बहुत ही लापरवाह तरीके से संचालित कर रहे थे, ध्यान भी नहीं दे रहे थे। और जब पता चला तो रात में जब ये प्रभात कुमार से पूरी पूछताछ हुई तो प्रभात कुमार ने स्पष्ट किया कि इनका जो वर्तमान मैनेजर है, पूर्व मैनेजर और एक और इनका जो साथी था, इन तीनों लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से पार्टी की। पार्टी के पश्चात प्रभात कुमार ने बहुत ही चालाकी से बाकी दोनों से के सामने ताला लगाया और ताला लगाने का बहाना करते हुए चाबी दोनों को दे दी और ताला पूरी तरह लॉक नहीं किया था, जिसका फ़ायदा उसने उठाया और रात में 1 बजे इन लोगों की अनुपस्थिति में आया और अंदर का जो लॉकर है उसको तोड़ते हुए घटना को इसने अंजाम दिया था। प्रभात कुमार पहले से भी संदिग्ध रहा है और फिर पूछताछ में यह भी स्पष्ट हुआ कि शराब का भी ये कारोबार करता था और सेवन भी करता था। उसके पश्चात इससे पूछा गया कि शराब की संलिप्तता में और कौन कौन लोग शराब के व्यवसाय में, तो 2 होम डिलीवरी करने वाले लड़कों का भी नाम सामने आया, एक सौरभ कुमार है और फिर इसके घर पर रेड भी हुई तो उसमें शराब भी बरामद हुई है। 750 ml का और 375 ml की 2 बोतल 4 बोतल इसके घर से बरामद हुए हैं। ये शराब का सेवन भी करता था और होम डिलीवरी बॉय सौरभ कुमार के साथ मिलकर के शराब को अलग अलग जगह बांटता भी था, व्यापार भी करता था। मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 257-23 दर्ज किया गया था। इसके अनुसंधानकर्ता कृष्णचंद भारती हैं, उस पूरी टीम ने इस घटना के अनावरण में बहुत अच्छा कार्य किया। अमूमन ये देखा जाता है कि चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेने के बावजूद भी उनमें रिकवरी होना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। प्रभात कुमार से बहुत ग्रिलिंग पूछताछ हुई और इस पूरी पूछताछ का श्रेय जो है SHO मुफस्सिल और मुकेश कुमार DIU से और कृष्णचंद भारती, इन लोगों ने बहुत ग्रिलिंग पूछताछ की। तब जाके प्रथम दृष्टि जब तक हम लोगों को इस पर था, उसे 2-3 बार लगातार बीच में भी उसे उठाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन तब उसने स्वीकारा नहीं। लेकिन जब कई पहलुओं पर पुलिस ने अनुसंधान किया और अपने सारे साक्ष्यों को इसके सामने पेश किया और उसके घर की भी गहन जांच हुई, घर में से पैसा बरामद हुआ, तब पश्चात प्रभात कुमार ने अपनी संलिप्तता को इस घटना में स्वीकारा। प्रभात कुमार ऐसे तो कोई अपराधी नहीं है जो पहले कई बार जेल गया हो, लेकिन ये किसी शातिर अपराधी से कम नहीं था। पूरी पूछताछ में टीम को बहुत मेहनत लगी और उसके बाद इस घटना का उद्भेदन हो पाया है, तो पूरी टीम को इसमें पुरस्कृत किया जाएगा और SDPO सदर भी इस घटना में बधाई के पात्र हैं। और हम लोगों का फोकस है और ऐसी आशा है अपनी टीम से कि लगातार गृहवेदन, वाहन चोरी और ऐसी चोरी की घटनाएं जो सीधे आम आदमी को प्रभावित करती हैं, इन घटनाओं का न सिर्फ उद्भेदन किया जाए बल्कि इसमें जो सामान और पैसा चोरी हुआ है उसको भी रिकवर किया जाए। थैंक यू।